जो भी एरर पॉसिबिलिटी से बता देंगे। ये अच्छा लॉग इन पेज का प्लीज। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोहेल मैं क्लास सर स्टार्ट इधर बात करूँ। करो सर। जी बोलिए। सर इसमें मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ये पेज क्रिएट करा सर, इसमें इमेज भी ऐड करा, और ये मेरे को सिर्फ इसमें सोशल मीडिया जो बटन रहते हैं ना सर, उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा सर वो। हेलो क्या बोला? प्रिंसिपल मैं सुनाई, सॉरी। मैं ये पेज और बटन क्रिएट करा सर, आप एक टास्क दिए थे ना सर, जी मतलब वो बटन ऐड करने के ताल्लुक से बोले थे ना, बटन और थीम ऐड करने के ताल्लुक जी से बोले थे ना, तो वो जी मैं जी कल ही कर दिया था सर। मैं वो पे ओके सर इसमें सोशल मीडिया जो बटन रहते हैं ना सर, जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ओके वो ओके बटन कहाँ से ऐड करना, और वो जरा वो समझ में, अब जरा आप ये आपके एक बटन के पास पेंसिल का बटन के सोशल मीडिया के पास पेंसिल का बटन दिख रहा है आपको? पेंसिल का आइकन दिख रहा है आपको? सोशल सर, मेरे को इसमें सोशल मीडिया आइकॉन ही नहीं मीडिया नहीं दिखा दिख रहा है, रहा आप शायद, नहीं दिखा रहा। और आइकन क्या ही है नहीं दिख सर रहा है। तो इसमें आपको और एक चीज है प्लस सर, प्लस अब मैं देख रहा था ये डैशबोर्ड में आया प्लस का सर, सिंबल। हाँ अभी डैशबोर्ड में सर राइट क्लिक करके जो है ना विजिट उस वेब पे गया मैं, अभी जो मैं क्रिएट करा था इसमें आ गया सर, ये अपन डैशबोर्ड में तो सर अभी ठीक है। आप जो है पहले पहले चीज का पहले सवाल का जवाब देता हूँ मैं आपको। आपको जो है यहाँ पे आपको सोशल मीडिया आइकन लगाना है, वहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको पेज पे, ठीक है। उस पर प्लस पे क्लिक करोगे ना आप, तो साइड में लेफ्ट साइड में आपको जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको सब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए दिया जाएगा, राइट। जो भी चीज आपको रखना है, तो आप सोशल मीडिया का एक आपको बॉक्स दिखेगा, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सर। दीजिए तो सोशल मीडिया आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप उसमें लिंक लगा सकते हैं। खैर अभी फिलहाल जा रहा मैं ऑनलाइन, आ गए शायद, तो मैं जो है उनको बोलता हूँ, वो लाइव में आपको दिखा देंगे आज कि एनिमेट इसमें क्रिएट और एक करना, सवाल, ठीक है। इसी में और एक सवाल है सर बटन के हवाले से, इसमें जी सर मैं जब ये थीम सेलेक्ट करा, थीम लिया अपलोड करने के बाद, इसमें एक डिफॉल्ट बटन है सर, और डिफॉल्ट बटन्स को जो है ना क्लियर करा मैं अपने से, जो है ना अपने हिसाब से बटन सर जरा ऐड मेरी बात सुनिए कराया आप। हेलो सर। सर सुनता हूँ सुनता हूँ हेलो फिर। सलाम वालेकुम। जी हाँ सर सोहेल सर, हाँ सुनता हूँ मैं आपकी बात, ये रुकिए पहले जो इनका होने लॉग इन, दीजिए। अच्छा ओके ओके, जी बोलिए सर। तो आप इस डिफॉल्ट बटन क्लियर करके क्या करें? पे मैं अपने से जो 4-5 बटन ऐड करा सर, इसमें क्या है ऑलरेडी जी एक बटन ऐड करेवा है होम बटन का, जी वो बटन का इसमें शो नहीं कर रहा था, जैसा अपन करते इसमें जाके क्या बोलते इसे होम अपीयरेंस में होम बटन जाके, डिफॉल्ट लेकिन होता मैं अपने से ऐड हेलो। करने के लिए चेक कर रहा हूँ सर, लेकिन हो रहा नहीं, वो अपीयरेंस में जाके मेनू बोल के रहता ना सर प्लीज सर क्लास स्टार्ट करिए, वी उस। आर इन ऑफिस। सर हेलो अपना सुनील सर सर, इंटरनेट वाले को को मैं बाद प्रॉब्लम में हो रहा है, सॉल्व कर अगर लेता क्लास स्टार्ट करें तो हूँ। आप ओके आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी सर। जी बोलिए बोलिए। सर हाँ मैं सोहेल मिलता सर, बोलो मैं मैं। आपको ये जो बता रहा बोला था ना, मैं लॉगिन पेज का जो नियारा बोल के उन्हें बता रहा, द ओके यूजर नेम फील्ड इज एम्प्टी, दी जो है ना पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, लॉगिन इनटू योर वर्डप्रेस डॉट ओआरजी अकाउंट टू कंट्रीब्यूट टू वर्डप्रेस, गेट हेल्प इन द ओके सपोर्ट फोरम और रेट एंड रिव्यू थीम्स एंड प्लगइन्स यूजर, ये उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड का जो है ना ये मान्य से ऐसा दे रहा। तो ये तो ये सर। स्क्रीनशॉट एक मैं भेजा था सोहेल सर को, लेकिन उसके बाद हेलो मेरे को सलाम पहले आया वालेकुम। था रिप्लाई, उसके बाद ये आया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट आया होगा तो मैं देखता हूँ, मैं देख जी के जी बोलता जरा हूँ सर। प्लीज जी प्लीज। हेलो जी जी सलाम बिल्कुल वालेकुम सोहेल सर, वो उसका 32 बिट के लिए भेजिए ना, वो जैम्प का और वर्डप्रेस का। लिंक कल नहीं आई थी, लिंक आपको नहीं थी हेलो पे। सोहेल सर। नहीं सोहेल सर, इस पे भेजिए ना, व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको कॉपी कर ले सकते हैं इजी, डाउनलोड करने का अदनान भाई रूल जरा है। व्हाट्सएप पे लिंक भेज दो अदनान भाई। सोहेल सर सोहेल सलाम सर वालेकुम। मुझे एक बार सेंड कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ अभी भेज सोहेल रहा सर हूँ। ओके सलाम वालेकुम, नेक्स्ट। जी बोलिए। मैं मृदा बोल रहा हूँ। जी मृदा सोहेल साहब सर बोलिए। मैं भी ये पेज को क्रिएट करा था, मैं ये इसका मैं 64 बिट है मेरे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, जी। मैं इसको जो सो हाँ लॉगिंग एक ही बार करा, मैं सेकंड टाइम जो सो
डेस्कटॉप पे भी नहीं आया है। इसको ओपन कैसा करना, अपन गूगल पे जाके अपन वर्डप्रेस करके टाइप करा। मैं नहीं वर्डप्रेस नहीं, मैं अब चैट में देखिए लिंक मेरी भेजा आवाज हूँ। आ रही? आ रही है चैट में, एक लिंक भेजा देखो मैं आपको, मतलब अभी नहीं थोड़ी देर पहले भेजा मैं, आप एम चैट सर पे थोड़ा एडमिट ओपन फ्रॉम योर कर। साइड। जारा मैडम ऑलरेडी ज्वाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बाकी लोग 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, थोड़ा सा लेट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से, तभी क्लास स्टार्ट होगी तो इनशाला आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है, आपके चैट बॉक्स में देखिए थोड़ी देर पहले मैं एक लिंक भेजा था आपको, वहां पर जो है ना लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश आपका जो भी वेबसाइट का नाम आपने रखे होंगे ना वर्डप्रेस की फाइल को रीनेम करके, तो वो नाम और फॉरवर्ड स्लैश मार के wp-admin मारिए, तो जो है आपको पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मानना होता है। ठीक है, तो आप वो लिंक टाइप करिए, आपको जो है आ जाएगा वो। So sir, now we can start the class. ओके, जारा मैडम अगर आप वहां हो तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। अदनान भाई और एक चीज, मैं आपको जो है लिंक भेजता हूँ 32 बिट का, आप जी वो ले शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सेंड कर दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज। शायद जारा मैडम के पास से ऑडियो का इशू है, सुनील सर एक बार चेक करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जुजारा मैडम ज्वाइन हो चुके हैं, जी। अदनान सर, एक दो सेकेंड रुके ना। कोई बात नहीं। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी अगर दिख रही है तो कमेंट में बोलिए प्लीज। जी, किसी का क्वेश्चन था कि पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने की वजह से उनका खुल नहीं रहा है, तो अगर नहीं खुल रहा है तो उसका दूसरा तरीका भी है। मैं बताती हूँ कि वो कैसा खुल सकता है।
स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोग को मेरी? जस्ट ए सेकंड, स्क्रीन और वॉइस इज क्लियर फ्रॉम आवर साइड, जिसके पास भी नहीं आ रही अपना वॉल्यूम एक बार चेक करें। वॉइस आ रही है अभी? मैम आवाज आ रही है आपकी जी? एक्चुअली मेरे पुराने फाइल्स में डिलीट कर दी थी मैं, तो इसमें न्यू क्रिएट की थी, तो इसलिए यहाँ पर लोडिंग बता रहा है थोड़ा इंस्टॉलेशन के लिए। जिसका यूजर नेम है ना, पासवर्ड नहीं आ रहा था, उन्होंने देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए मैं जैम्प में जाके एडमिन पे क्लिक करी हूँ, अदनान सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी आपकी आवाज एकदम क्लियर है, यहाँ से स्क्रीन भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल। जिसका सवाल था यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट करिए। यू नो देखिए यहाँ पर मैं जैम्प में गई हूँ और एडमिन पर क्लिक करी हूँ, एंड क्लिक करने से यहाँ पर लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन आया है। ठीक है, जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपका नाम रहेगा, नाम पर क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल मैं जारा सईद के नाम से अभी डेटाबेस क्रिएट की थी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। ये देख लीजिए अच्छे से, जिसको पासवर्ड एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं बता रहा है तो आप लोग यहाँ पर से भी ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर यूजर नेम WP यूजर्स दिख रहा है आप लोग को, जी इस पर क्लिक करिए। ये नोट्स लिख लीजिए आप, जिसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं आ रहा था एक बार नोट्स लिख लीजिए प्लीज। मैं क्या की हूँ, जैम पर क्लिक गई हूँ एंड एडमिन पर क्लिक की हूँ। जब मैं एडमिन पर क्लिक करती हूँ तो ये लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन ऐसा पेज आता है, तो जो आप डेटाबेस जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उस पर क्लिक करिए आप। डन, जिसका क्वेश्चन था उन्होंने आंसर दीजिए प्लीज, मैं उनका रिस्पॉन्स चाहती हूँ। अगर नहीं समझ आया तो भी फिर भी मैं एक बार अभी बोल दूंगी, फिर बाद में देखिए फिर। हाँ WP यूजर्स पे क्लिक की हूँ मैं अभी, देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है यूजर लॉगिन। यहाँ ऊपर बता रहा है यूजर लॉगिन, आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए नीचे। अब देखिए मेरा नाम बता रहा है जारा सईद, राइट? तो इस पर डबल क्लिक करिए आप,
ये यूजर नेम आप यहाँ पर से कॉपी कर लेके वहां पर पेस्ट कर सकते हो। एंड पासवर्ड अगर आपको ऐसा कुछ बता रहे हैं तो क्या करिए, आप डबल क्लिक करके आपका पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर। ओके ठीक है, अगर समझ फिर भी इसके बाद समझ नहीं आया तो मुझे प्लीज टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगी। अभी मेरा पासवर्ड ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए मैं इसको रिनेम नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो ये एंड में मैं करके बताऊंगी मैं एक बार। आप लोग एक बार अपने खुदी से वहां पर टाइप टाइप कर लीजिए, आ जाएगा वहां पर से। अभी मैं यहाँ पर से फाइल अपलोड कर रही हूँ, लास्ट टाइम फाइल मैं पूरे फाइल्स डिलीट कर दी थी मैं, इसलिए यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। और कोई पूछ रहे थे कि होम पेज और अबाउट अस नहीं बता रहा है मुल्के, तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में जा रही हूँ, जिसको होम पेज का एडिट ऑप्शन नहीं बता रहा है वो लोग देख लीजिए। अगर आपको फिर भी पासवर्ड नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह वहां पर रेस्पॉन्स करूंगी। यहाँ पर मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है थोड़ा। लोड नहीं हो रही है मींस। स्क्रीनशॉट भी चाहिए मुझे। सभी में एस्केटिव टैबलेट्स नहीं बताता है, जो फाइल में है वही बताता है, सबकी थीम अलग अलग रहती है।
अमजद खान जो आप मुझे अभी स्क्रीनशॉट भेजे थे, देखिए आप क्या करिए, लोकल होस्ट स्लैश और आपका जो डेटाबेस नेम था वो डालकर एंटर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए कि क्या बता रहा है वहां पर फर्स्ट। अभी आवाज आ रही है एमजे खान? एंड सभी में एसकेटी फाइल नहीं रहता है और मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा एलिमेंट कैसा इंस्टॉल करते हैं वो आगे बताएंगे हम आपको। जरा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी हाँ, जरा मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा एक स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यहाँ स्क्रीन दिख रहा है लेकिन लोग नीचे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। इन्हें एक स्क्रीन में ही म्यूट की थी। फाइव पॉइंट नाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस।
आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी अभी वॉइस आ रही है, मैं इसका दूसरा, अभी लास्ट टाइम हम लोग हेडर देखे थे एडिट के लिए, ठीक है, ये एडिट हेडर किए थे हम लोग लास्ट टाइम, एंड जिसका होम अबाउट अस पेज नहीं दिया है वो मुझे कमेंट करिए, मैं उनका भी आंसर दे दूंगी। आज हम फूटर देखेंगे, लास्ट जो रहेगा एंड में, देखिए ये वाला फूटर, इसको फूटर बोलते हैं, जो इसके हमारे डिटेल्स, देखिए मैं इसको इसमें बताऊंगी, एक सेकेंड। जी आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अदनान से जूम लिंक, जूम कट हो गया था क्या? जी अभी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? अभी विजिबल है सभी को? देखिए ये जो फूटर का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फो, अभी मैं इसको एडिट करूंगी मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ कंटेंट, मतलब आपकी कंपनी के रिलेटेड यहाँ पर आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, एंड अगर इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, अगर ये कंटेंट नहीं चाहिए तो ये कंटेंट भी नहीं। क्या है बात, देखिए यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है ना, इसको अगर आप लोग कंटेंट चाहते हो तो आप यहाँ कंटेंट रख सकते हो, या फिर इसको रिमूव करना है तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप कंपनी के रिलेटेड कुछ अच्छा कंटेंट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो इधर। अब मैं यहाँ पर नीचे कॉन्टेक्ट इन्फो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर एड्रेस है, देखिए यहाँ पर एड्रेस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो हम यहाँ पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जी कमेंट में बोलिए मुझे अगर आप लोग को समझ आया, रेस्पॉन्स आ रहा है, मेरी वॉइस आ रही है तो।
अभी फास्ट आ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसका डिटेल्स चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लगाऊंगी कुछ और डिटेल, 121। देखिए मैं पूरा एड्रेस डिलीट करती हूँ, आप लोग यहाँ पर कुछ भी एड्रेस लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 121 हैदराबाद, या फिर आप कुछ और भी लगा सकते हो, या फिर आपका टोटल जो जिसका एड्रेस है 120/8/2/101, ऐसे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इमेज लगाना चाह रहे हो तो इमेज लगा सकते हो, या फिर नहीं तो या फिर ये आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आइकॉन लगा सकते हैं हम एड्रेस का, देखिए एड्रेस। अभी मैं इसमें से कौन सा भी एक आइकॉन ले लूंगी। इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर आप लिए हो, और या फिर यहाँ पर भी सेलेक्ट फाइल करके यहाँ पर से भी देखिए आइकॉन। मैं डाउनलोड में आइकॉन डाउनलोड की थी, यहाँ पर आइकॉन मुझे बता रहा है। कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा इसमें, कॉपीराइट इशू कैसे बताएगा? देखिए इसके हम डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, इसको जैसा डिजाइन चाहिए वैसे। इसका विड्थ एंड स्पेस, ये थोड़ा चिपक के था तो मैं इसको थोड़ा वो कर दी हूँ। अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ा सकते हो। देखिए दिख रहा है, आप लोग इसमें अगर आप लोग को ये व्हाइट बैकग्राउंड ऐसा नहीं चाहिए, पीएनजी चाहिए, तो इसमें पीएनजी भी आप लोग को मिलेगी, तो आप लोग यहाँ से पीएनजी भी ले सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा फोटोशॉप में इसको बैकग्राउंड निकाल कर वैसे भी कर सकते हो जिसको फोटोशॉप आता है। यहाँ पर मैं एड्रेस चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर एड्रेस ईमेल आईडी चेंज की हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक की हूँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है एडिट एडिट ऑप्शन का। एडिट ऑप्शन में गई तो यहाँ पर ऊपर इमेज का बताया है, देखिए दिख रही है आप लोग को मेरी स्क्रीन, जिसका क्वेश्चन था मोहम्मद दस्तगीर। एडिट ऑप्शन में यहाँ पर इमेज बता रहा है, यहाँ पर इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेल आईडी में चेंज की हूँ, एंड मैं मोबाइल नंबर चेंज कर रही हूँ यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, यहाँ पर आइकॉन्स ऐसे ही है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ऑलरेडी इससे पहले लिंक दिए थे हम लोग इसमें, तो वैसे ही लिंक दे देंगे हम इधर, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ टॉप में ही रहे एंड फुटर में ना रहे, तो आप लोग फुटर में से भी निकाल सकते हो। YouTube एंड LinkedIn, अगर आप चाहे तो इसमें अभी दूसरे भी ऑप्शंस लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर नीचे दे रहा है ऐड आइटम दिख रहा है, तो ये पूछ रहे थे कि आइकॉन्स में बता रहा है, तो लोग के लिए बता रही हूँ मैं, यहाँ पर चाहे तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस का आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आइकॉन चेंज भी कर सकते हो इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सा आइकॉन नहीं था यूट्यूब का, ये बता देती हूँ अभी। देखिए यहाँ पर यूट्यूब का आइकॉन आ गया है, तो यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ नीचे देख रहे हैं इंसर्ट दिखा रहा है, वहां पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर YouTube का ऑप्शन आ गया है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये पूरे आइकॉन्स है, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। जो फ्री इमेज रहते हैं हम लोग वो कॉपी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कॉपीराइट इशू नहीं आता है, फ्री इमेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं। जी अभी देखिए ये हो गया है हमारा, एंड मैं इसको एक काम करती हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देती हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पर देखिए ब्लैक बता रहा है, तो आप लोग चाहे तो इसको कलर में भी दे सकते हो कुछ और। देखिए दिख रहा है आप लोग को, अब वो क्लास के बाद पूछ लीजिए, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा मुझे तो पता नहीं है, वो क्वेश्चंस अभी जो इसके रिलेटेड है वो क्वेश्चंस करिए प्लीज। अभी देखिए मैं इसका कलर चेंज कर दी हूँ, यहाँ पर क्विक लिंक्स जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए होम अबाउट अस सर्विसेज ब्लॉग बुकिंग कॉन्टेक्ट, यहाँ पर जो हमारा ऊपर जो नेविगेशन का जो रहेगा, यानी कि मेन्यू बार जो रहेगा वही हम यहाँ पर डालेंगे, अगर डालना चाहे तो यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम फर्स्ट अबाउट अस यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर थोड़ा कंटेंट डाल सकते हो, यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फो डाल सकते हो, यहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन्स डाल सकते हो, अगर वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। हाँ बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हो आप, जी आप लोग को बैकग्राउंड में इमेज ये इमेज का बोल रहे हो या फिर एडिट का पूछ रहे हो फयाज? ठीक है वो मैं बताती हूँ अभी कि कैसे इमेज ऐड कर सकते हैं।
आप इमेज कहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फोटोशॉप में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसा है। एक सेकेंड, देखिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज सर्च कर रही हूँ। कोई अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे हम, जो लाइट कलर की हो, या फिर इसको फोटोशॉप में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम लोग थोड़ी सी एडिट वाली ले लेंगे। प्लेन वाली भी इमेज ले सकते हैं, या फिर कुछ और भी इमेज ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, अभी हमारा कॉन्सेप्ट है मैकेनिक, तो हम मैकेनिक के रिलेटेड इमेज लेंगे। जिस किसी का फैशन स्टोर है उसके रिलेटेड भी आप लोग इमेज ले सकते हो। देखिए दिख रही है आप लोगों की इमेज, या फिर ये इमेज, देखिए अभी ये इमेज, मैं ये इमेज डाउनलोड कर रही हूँ। देखिए मैं इसको एडिट कर रही हूँ बैकग्राउंड में, आप सबको दिख रहा है मेरी स्क्रीन, ये देख लीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, आपकी तरफ से नहीं आ रहा शायद, यहाँ पर तो मुझे बता रहा है, आप सबको बता रहा है। फयाज देखिए आपको बता रहा है स्क्रीन, आप पूछ रहे थे एंड उससे पहले भी कोई पूछे थे मुझे, अर्शिया स्क्रीन नहीं बता रहा है आप लोग को, जिसको नहीं बता रहा उन्हें उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ अदनान सर स्क्रीन बता रहे हैं, अदनान सर स्क्रीन मुझे तो बता रहा है, ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि आए क्लियर नहीं है बोल के, तो रीशेयर करिए आपका स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड, मैं ये स्टॉप कर दे रही हूँ स्क्रीन, फिर से शेयर कर रही हूँ। ये अभी स्टॉप हुआ है जी, अभी आया अभी बता रहा है अदनान सर। हाँ जब भी आ रहा था और अभी भी है, सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। जी अभी इसको मैं बैकग्राउंड में इमेज कैसे कि चेंज कर सकते हैं वो बता रही हूँ। अर्शियान पयास सभी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोग क्वेश्चंस किए थे इसलिए पूछ बोल रही हूँ मैं कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एडिट ऑप्शन में गई हूँ, यहाँ पर दूसरी तरफ क्लिक करके बता रही हूँ मैं आप लोग को फिर से। देखिए यहाँ पर मैं एडिट ऑप्शन में गई हूँ एंड हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज किए थे। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे इमेज बता रहा है, चूज इमेज बता रहा है, तो मैं इमेज सेलेक्ट करूंगी यहाँ पर से एंड जो हम लोग इमेज डाउनलोड किए थे वो डाउनलोड सेलेक्ट करूंगी यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए इमेज अपलोड हो चुकी है, मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है, दिख रहा है आप सबको? जिसका क्वेश्चन था बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, हाँ वो उनके लिए बोल रही हूँ मैं। इसमें हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं थोड़ा, एंड अपॉसिटीज की भी कम कर सकते हैं। ये तो ओवरले हो गया। इसमें देखिए एक सेकंड मैं काम करती हूँ, अभी इमेज तो इसको थोड़ी सी एडिट करना पड़ेगा, तो अभी आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा मेरा ये जो कंटेंट है। तो अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप लोग पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इसमें सेंटर सेंटर है, सेंटर लेफ्ट है, आप लोग जैसे आप लोग की मर्जी है उस हिसाब से। अभी तो मैं इसको डिफॉल्ट रख रही हूँ, पोजीशन भी कर सकते हैं इसको नो रिपीट, लेकिन इसका साइज चेंज करना पड़ेगा। ओके तो अगर इसके रिलेटेड अभी देखिए मैं ये इमेज ले रही हूँ, थोड़ी ये डाउनलोड कर रही हूँ मैं इमेज। ज़रा मैम एक मिनट, आप जो है वो स्क्रीन पे जाइए वापस से जहाँ पर आप इमेजेस चेंज कर रहे थे। मैं थोड़े ऑप्शंस के बारे में लोगों को बता देता हूँ, लोग जो है फिर वापस आपको इंटरनल पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए बार बार सवाल करेंगे। देखिए गाइस पोजीशन जो दिखा रहा है आपको, मैडम पोजीशन के पास जाइए एक बार, पोजीशन पोजीशन ठीक है, पोजीशन के पास जाइए। देखिए गाइस यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रहा है उसमें आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे सेंटर है, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, टॉप सेंटर है, टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, कस्टम ठीक है। देखिए सेंटर सेंटर अगर अपन सेंटर सेंटर कर लेंगे ना तो इमेज जो है बीच में सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ठीक है। अभी आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, तो जो जो पोजीशन का ऑप्शन में जो मैडम पोजीशन के ऊपर क्लिक करिए मैम। ठीक है, पोजीशन के ऊपर जब क्लिक करोगे आप तो अगर आप सेंटर सेंटर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपकी इमेज कहीं पे भी अलाइनमेंट हो वो एकदम सेंटर में आके रुक जाएगी ठीक है। उसके बाद में आप अगर सेंटर लेफ्ट करते हो तो आपकी इमेज बीच से लेफ्ट में चली जाएगी, यानी कि सेंटर का जो पार्ट है आपका वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। मैंने एक बार क्लिक करी उसमें सेंटर लेफ्ट पे, ठीक है सेंटर जो बीच का पार्ट था वो लेफ्ट में आ गया आप ठीक है। ये छोटी ये बड़ी इमेज है इसके लिए आपको उतना फर्क नहीं दिखेगा, आप अगर दूसरी को इमेज लेते तो आपको फर्क दिखता था ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से टॉप लेफ्ट टॉप राइट एक एक एडजस्टमेंट करके देखिए, जब आपको लगे कि मेरी इमेज बराबर सेट हो गई है तो आप जो है उसको ओके कर सकते हो ठीक है। चलिए डिफॉल्ट इसलिए दिया है कि डिफॉल्ट पे वो ऑटोमेटिकली इमेज को बराबर उस पोजीशन पे सेट कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करिए मैम। अटैचमेंट में स्क्रोल है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड और स्क्रोल का ऑप्शन क्या होता है, अगर आपकी समझिए इमेज बड़ी है ऊपर से नीचे तक, अभी जो फिट हो गई है उसके नीचे भी एक और मतलब थोड़ा और पार्ट होगा, तो आप अगर स्क्रोल पे क्लिक करिए मैम, अब उसको ड्रैग करिए नीचे की तरफ, तो इमेज अगर उसके नीचे और होती ऊपर करिए मैं ऊपर करिए हाँ, इमेज अगर उसके नीचे होती तो वो स्क्रोल होती, बट ये खत्म हो गई है तो ये फिक्स हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली फिक्स पे रखते हैं ताकि इमेज जो है फिक्स हो जाए, वो स्क्रोल ना हो ऊपर नीचे कहीं पे भी ठीक है, वरना वो सामने वाली चीजों को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट मैम रिपीट ऑप्शन पे क्लिक करिए मैम। देखिए रिपीट में आपको नो रिपीट 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 टेक्स्ट रिपीट वाई ऑप्शन दिख रहा है। मान के चलिए अगर आपका एक स्क्वायर छोटा सा डब्बा है तो आप अगर रिपीट एक्स करोगे तो अगर जब तक के वो बैकग्राउंड की जगह फिल नहीं होती तब तक के वो चीज को एक्स डायरेक्शन में रिपीट करेगा, एक्स मतलब हॉरिजेंटली ठीक है, एक लाइन में आपको रिपीट करेगा एक के बाद एक जब तक के जगह खत्म नहीं होती रिपीट करेगा। अगर आप रिपीट वाई करते हो
तो एक के नीचे एक जगह खत्म होने तक रिपीट करेगा, छोटे से इमेज को बार 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 रिपीट करेगा। एक बार क्लिक करें मैम रिपीट एक्स, तो ये बड़ी इमेज है इसके लिए इसको रिपीट नहीं किया उसने। अगर छोटी इमेज होती, कोई छोटी से साइज होता तो उसको जो है रिपीट करता। तो अभी इसको भी डिफॉल्ट रखें मैम, या नो रिपीट रखिए, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम जो है, अगर आपकी इमेज बड़ी है तो आप नो रिपीट ही रखिए। उसके बाद साइज में आपको जो है तीन चार ऑप्शन दिया है, जिसमें ऑटो पे क्लिक करिए मैम, ठीक है। अभी अभी ये देखिए, अभी इमेज है एक जगह पे रुक गई है ना, रुकिए मैम। अभी देखिए ये इमेज जो है छोटी सी एक जगह पे रुक गई है, राइट। अब मैम आप जो है रिपीट में जाके रिपीट एक्स करिए, देखिए आप एक के बाजू में एक इमेज आ गई है, ठीक है। कितने लोगों को दिख रहा है, ओके बोलिए। अब मैम रिपीट एक्स से जा पे रिपीट वाई कीजिए, तो एक के नीचे एक आ गई इमेज दो बार, ठीक है मैम। डिफॉल्ट कर दीजिए, नो रिपीट, ओके। ऊपर जाइए मैम, अटैचमेंट में जाइए, स्क्रॉल पे करिए, ठीक है। अभी देखिए इमेज छोटी है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये इमेज बड़ी होती तो जो है स्क्रॉल होती नीचे से ऊपर तक का, ओके मैम। डिफॉल्ट कर दीजिए, पोजीशन पे जाइए मैम, पोजीशन सेंटर करिए मैम। देखिए सर ये जो है एकदम सेंटर में आ गई है, ठीक है मैम। नेक्स्ट सेंटर लेफ्ट करिए, तो जो सेंटर का पार्ट था वो लेफ्ट में चला गया है। नेक्स्ट मैम सेंटर राइट, राइट साइड सेंटर, ऐसे मैम एक ऑप्शन क्लिक करिए फटाफट, सेंटर टॉप, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। कस्टम पे आप क्लिक करोगे तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखिए वहाँ पे पोजीशन दे रहा है एक्स पोजीशन वाई पोजीशन, मैम ड्रैग करिए एक्स पोजीशन वाई पोजीशन को, जैसे मुझे कहीं पे भी पर्टिकुलर कोई पोजीशन पे रखना है तो आप कस्टम पे रख के उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आप लोगों के। अब मैम उसको डिफॉल्ट कर दीजिए, और नीचे जो साइज है उसको आप कवर पे कर दीजिए। कवर मतलब जितना भी आपका बैकग्राउंड कवर है उसके ऊपर वो इमेज को स्ट्रेच करके बराबर सेट कर देगा। तो ये पार्ट आप लोगों के समझ में आ गया है, राइट, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले पे जाइए मैम, नीचे 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 था उसके नीचे था। जी ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले में आपको जो है क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको ओपेसिटी दिख रही है और नॉर्मल दिख रहा है, तो आप जो है नॉर्मल पे मैडम नीचे आइए ओपेसिटी पे। मैम ओपेसिटी पे आइए, ओपेसिटी हाँ उसको ड्रैग करिए, कम करिए और करिए, ठीक है। अभी जो है अपन बैकग्राउंड के टाइप पे हम लोग, मैम थोड़ा सा ऊपर नहीं उधर बैकग्राउंड के उसमें, हाँ ऊपर करिए, हाँ ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो इमेज होती है ना, तो उसको अपन जो है एक हावर के टाइप में कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन जो आता है वो अभी थोड़े दिन के बाद में बताएंगे आप लोगों को, तो उसमें आप देखना जब वो आएगा तो ये पार्ट को मैं ओपन करके बताने लगाऊंगा, जिसे अभी मैं एक्सप्लेन करा बीच में आके, ठीक है। मैम आगे बढ़िए मैम, देखिए मैं अभी ये फिर से इमेज चेंज कर रही हूँ यहाँ पर की, अपलोड फाइल पर क्लिक की हूँ एंड सेलेक्ट फाइल कर रही हूँ। अभी जो सेकंड वाली इमेज डाउनलोड किए थे हम लोग वो ओपन की हूँ यहाँ पर। अभी ये साइज बड़ी बता रही है इसमें, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, तो मैं एक काम करूंगी इसको रीनेम करूंगी अभी। पहला तरीका अब ये एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगी इसमें सेलेक्ट फाइल, सेकेंड हम इमेज ओपन की हूँ यहाँ पर, फिर भी ये नहीं बता रहा है।
यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, वी नॉट अलाउड टू अपलोड दिस फाइल टाइप, इसका इसकी इमेज देखेंगे हम ही। अभी इमेज मैं चेंज करके देखती हूँ, शायद अभी तो ले लेना चाहिए, फिर भी नहीं ले रहा है, इसका साइज बड़ा ज्यादा बता रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे दूसरी फाइल देखेंगे इसमें जो लाइट हो। जिससे आपको बैकग्राउंड भी दिखे वैसी इमेज हम देखेंगे। इसका दूसरा तरीका हम लोग ओपेसिटी से भी कम कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगी मैं अभी। एकदम से लाइट बैकग्राउंड जिससे हम टेक्स्ट भी देख सकते हैं। भी एग्जांपल पर ये ले रही हूँ मैं, जी हो गया, खाली ये इमेज चेंज करके मैं बता क्लोज करूंगी मैं भी। अभी मैं जो थर्ड इमेज हम लोग डाउनलोड किए थे वो ओपन कर रही हूँ। अभी वो सेलेक्ट इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको टेक्स्ट थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। मैं स्टाइल पर जा रही हूँ, टेक्स्ट कलर दिख रहा है आप लोग को, ब्लैक या फिर थोड़ा डिफरेंट सा कलर देंगे इसको। टेक्स्ट टाइटल को हम रेड देती हूँ एंड नीचे का जो टेक्स्ट है इसका कलर हम चेंज कर देंगे कंटेंट का। वैसे ही दूसरे का भी चेंज कर देंगे, स्टाइल पर जा रही हूँ एंड कंटेंट कलर चेंज करती हूँ मैं सिर्फ, टाइटल का कलर हम चेंज नहीं करेंगे, टाइटल का कलर हम वैसे ही रखेंगे। इसी तरह मैं सभी का कलर चेंज कर रही हूँ ताकि हमें कंटेंट अच्छे से दिखे। आइकॉन्स का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और देखें यहाँ पर नहीं कुछ और भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर भी इसका कलर चेंज हो गया है एंड वापस क्विकलिंक पे मैं क्लिक करूंगी, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करूंगी या फिर हम इसका कोड भी यहाँ पर जो फर्स्ट टाइटल में जो कलर लिए थे वही कलर हम लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं।
इसके रिलेटेड है थोड़ा सा। अभी मैं इसका भी कलर चेंज कर दूंगी, आइकॉन्स का नहीं। हाँ जी, नहीं आप लोग को ये अलग अलग लेआउट्स है तो इसका सेक्शंस अलग अलग है तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा, एक बार में सबका नहीं कर सकते आप लोग। तो मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर रही हूँ अभी। अगर सेक्शन एक था, देखिए अभी यहाँ पर देखिए इसका सेक्शन पूरा एक ही था तो इसलिए मैं एक ही बार में चेंज कर दी हूँ पूरा। अब यहाँ पर सेक्शंस अलग अलग थे तो मैं अलग अलग चेंज की हूँ। अभी देखिए यहाँ पर पूरा इसका सेक्शन एक ही है तो इसका कलर एक ही चेंज हो, एक ही बार में चेंज हो जाएगा। डन। तो इसको वो थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे हम लोग। देखिए अभी दिख रहा है ये। अभी इसी का भी ऐसे ही करेंगे हम। टेक्स्ट में क्लिक करी हूँ एंड टेक्स्ट कलर चेंज की हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा दी हूँ। डन। अभी ये सेव ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यहाँ पर नीचे लास्ट टाइम भी मैं बताई हूँ नीचे अपडेट देगा तो उस पर अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा तभी जाकर आपका अपडेट होगा सेव चेंजेस। ठीक है, आज यहाँ तक ही है, कल क्या और कैसे डिजाइन करते हैं वो बताऊंगी मैं फूटर में, उसमें थोड़े ऑप्शंस ऐड करके बताऊंगी मैं आप लोग को कल। आज के लिए इतना ही है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, आप लोग प्रैक्टिस करिए फिर भी एक बार। ठीक है, मैं कल हेडर का भी बताऊंगी एक बार एंड हेडर फूटर एक बार फिर से डिजाइन करके मैं बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सेशन होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे अपलोड स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करिए तो इंशाल्लाह दारा मैडम या सोहेल सर या रमेश सर कोई भी आपको रिप्लाई देगा। देखिए आप लोग जो मैडम बता रहे ना जारा मैडम वो चीज को बराबर गौर करते जाइए, फिर मैं जो है वीकली वंस या फिर टू डेज में वंस जब भी मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ब्रीफ की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त जो है मैं फटाफट जैसा भी एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा, बिकॉज थोड़ा मेरे लिए आपको इतना मतलब कंटिन्यू वर्क देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे से क्योंकि मेरे को थोड़ा क्लाइंट्स वगैरह के इश्यूज रहते तो मैं दूसरे कामों में बिजी रहने से आपको वक्त नहीं दे पाता हूँ, तो आपको मैं जो कंटिन्यू जो है एक एक दिन के लिए दो दो दिन के लिए सेशंस लेते रहूंगा बीच बीच में और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देते रहूंगा। ये आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब तक ज़ारा मैडम आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, हेडर बनाइए फुटर बनाइए। और एक चीज याद रखिए, कोई भी जो इंसान है ना सॉफ्टवेयर में या फिर एप्लीकेशन में एक्सपर्ट नहीं होता, कभी भी याद रखिए, एक्सपर्ट उसी को बोलते हैं जो रोज प्रैक्टिस करता है रोज उसके ऊपर वर्क करता है। हम लोग जो अपने आप अपने नाम के आगे 7 इयर्स एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ये जो लगाते हैं वो उसका वो लगाने का जो सही मायना है वो ये है कि हम लोग जो डेली उस पर वर्क करते हैं तो हम अपने आप को एक्सपर्ट बोल सकते हैं या फिर हम जो है अपने आप को एक्सपीरियंस्ड इन बोल सकते हैं। तो आप लोग भी जो अभी आज सब मान लीजिए आपने हेडर सीखा है आपने फुटर सीखा है आप जो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए हेडर के ऊपर फुटर के ऊपर आप अपनी तरफ से बनाइए, आप एक से दो बार वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अलग अलग नामों से अपना डोमेन बनाइए उसको चार पांच आप समझिए आपने एक पेज का जो है लेआउट का हेडर फुटर बना दिया, आप सेकेंड थीम डाउनलोड करिए सेकेंड थीम के ऊपर वर्क करिए थर्ड थीम डाउनलोड करिए उसके ऊपर वर्क करिए। अब जैसे कि यहाँ पर आइकन्स है यहाँ पर कुछ भी चीज आप क्लिक कर रहे हो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने पर जितने भी खुल रहे हैं ये सारे चीजों को अप्लाई करके देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है। जैसे स्पेसिंग में क्लिक कर रहा हूँ मैं तो स्पेसिंग में क्या चेंज हो रहा है ये कहाँ से कहाँ हट रहा है। ठीक है, विड्थ में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये विड्थ कैसा बढ़ रही है कैसा कम हो रही है। ठीक है, ये कैसा हो रहा है आप कंट्रोल जेड मारोगे तो वापस आपके पुराने पोजिशन आ जाएंगे। तो एक एक चीज को मूव करिए एक एक चीज को चेंज करिए फिर उसके बाद कंट्रोल जेड करके अपने डिफॉल्ट पोजिशन पे आ जाइए। तो इस तरह से क्या होगा मालूम है आप लोगों को अपने हमसे ज्यादा आपको टूल्स सीखने मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है,
सो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज के सेशन के मतलब आज का सेशन इतना मुश्किल नहीं लगा होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, तो आप लोग जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। मैं आपको जो है पूरा पर्टिकुलरली एक सेक्शन लूंगा आज कल परसों में जब भी, तो आपको फिर पूरा ए टू जेड वापस से क्विक जैसा रिव्यू बोलते ना उस तरह से मैं वापस से पूरा फटाफट बताते हुए आऊंगा। ठीक है चलिए अदनान भाई, अगर आप क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। ओके सोल सर, इंशाल्लाह कुछ भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो टेलीग्राम पे करिए, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। इंशाल्लाह आप लोग इवनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।